सभी माताओं, बहनों और सखियों को मेरा सादर नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के लज्जा सर्ग की कुछ पंक्तियाँ। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरें जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुंकुम चंदन में। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंचवाण से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति सी संचित हो। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी दलिता सी। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर से लिपट बनाती हूँ। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। पर मन भी क्यों इतना ढीला, अपना ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। सर्वस्त्र समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। छाया पथ में तारक द्वितीसी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुधराई में। नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती। मैं जब भी तौलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर नर उतर से झूले सी झोंके खाती हूँ। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है, मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल छलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी इस मित्र रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी इस मित्र रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। धन्यवाद। ये लाइनें समर्पित थीं समस्त नारी शक्ति को, जो बिना रुके बिना थके निरंतर अनवरत रूप से अपनी सेवाएं, अपना सर्वस्व, अपने परिवार, समाज तथा देश को देती रहती हैं। ऐसी समस्त नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम, सत सत नमन, धन्यवाद।